बाबा आप कह रहे थे कि मामा को इंजेक्शन दिया डॉक्टर ने, लेकिन जब इंजेक्शन का असर खत्म होगा तो ये उसी तरह रिएक्ट करेंगी। आप हॉस्पिटल से क्यों ले आए? बेटा मीडिया वाले पुलिस वाले इनकी बुरी हालत के बावजूद इन्हें तंग कर रहे थे, वो तो मैंने जबरदस्ती डॉक्टर अब्दुल्ला से कह के डिस्चार्ज करवाया। तुम फिक्र ना करो, यहाँ पे आके चेकअप करेंगे इनका। ये मीडिया वालों तक बात कैसे पहुंची? ऐसी खबरें आसानी से फैल जाती है बेटा, बल्कि सवाब समझ के लोग फैला देते हैं, चाहे मुतासरा फैमिली अजाब का शिकार क्यों ना हो जाए। बाबा मुझे तो ये सब एक भयानक ख्वाब लगता है। अगर बीनी को राहिल की हकीकत पता चल गई थी तो वो हमें बता देती, हमसे शेयर करती, हम अपने हिसाब से हैंडल कर लेते। बेटा वो उस पर अंधा एतमाद करती थी, और अंधे एतमाद की जब आंखें खुलती है ना तो हमें यकीन नहीं आता कि हमें धोखा दिया जा रहा। खैर अच्छा वकील करना पड़ेगा। और पुलिस वालों से बात की आपने, क्या कह रहे हो? हाँ देखो मेरी बात तो ये इंस्पेक्टर से कह रहे, कुछ खर्चा वर्चा होगा तो मामले को रफा दफा करने की कोशिश करेंगे। अंदाजन कितने पैसे? 25 लाख रुपए मांगेंगे। और क्या बाबा, ये 20-25 लाख रुपए कहाँ से अरेंज करेंगे? कारोबार वैसे ही तबाह हो चुका है। और अरे घर बेच देंगे, कुछ भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, तुम फिक्र ना करो। बाबा क्या कह रहे हैं आप, 20-25 लाख रुपए के लिए इतना बड़ा घर बेच देंगे? और आप जानते हैं कि इस घर के लिए मामा कितने टची हैं। हम वो फेज टू वाला घर बेच देंगे जो फ्लैट हमारा रेंट पर है। कर लेंगे जो करना होगा, तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपनी मामा का ख्याल रखना, ठीक है? दवाइयाँ भी रखी हैं, सब चीजें हैं, और इनको बाहर ना निकलने देना। मैं जरा वकील साहब के पास आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। बस बाबा आप बीनी की शादी, जहां हो जैसे हो कोई अच्छा रिश्ता देखकर बस उसकी आप शादी कर दें प्लीज। शादी? एक वो वजह होनी चाहिए। वजह ना मैं आपको बता सकूंगा ना आप सुन सकेंगे, बस ये जान लें कि मजीद उसका यूनिवर्सिटी जाना हम सबके लिए नुकसानदेह होगा। समझ में नहीं आ रही तुम क्या कह रहे हो। मेरे सामने खड़े होकर इस तरह की बात करो मेरी बीनी के बारे में? नहीं आ रहा ना आपको मेरी बात पर यकीन, मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो सुन ले, बीनी की यूनिवर्सिटी में जिन लड़कियों से दोस्ती है वो बदनाम तरीन लड़कियां हैं, और बीनी भी उनके साथ बदनाम हो रही है। So what? बुरी और बदनाम लड़कियों के साथ दोस्ती खत्म की जा सकती है, यूनिवर्सिटी छुड़वाने की जरूरत क्या है? क्योंकि बात अब बुरी लड़कियों से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। मैं चाहती हूं कि आज हम दोनों इस गार्डन में वॉक करें। रूसा क्यों मजाक कर रही हो, पागल हो गई हो? आप कह सकते हैं। क्या मतलब कर सकता हूं? मैं हूं ना, मैं करवाऊंगी। चलें। मैं नहीं कर सकता, मुझ पे भरोसा है ना। आप कर सकते हैं मलिन। एक बार फिर से नहीं हो पाएगा, एक और बार मेरे लिए।
अच्छा छोड़े, आज के लिए इतनी कोशिश काफी है, जूस पी लो। जूस पी। थैंक यू। थोड़ा सा और पी लें। लेट्स लाइक इट बॉय।